ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भूल भुलैया 3 में अक्षय कुमार नहीं होंगे। फिल्म के पहले पार्ट में मंजुलिका का रोल करने वाली विद्या बालन तीसरी किश्त में वापस आ रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो माधुरी दीक्षित भी भूल भुलैया 3 का हिस्सा बताई जा रही हैं, मगर फैंस इस फ्रेंचाइज में फिर से अक्षय को देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी का कहना है कि वो अक्षय के साथ काम करने के लिए मरे जा रहे हैं। 2007 में आई पहली भूल भुलैया में अक्षय कुमार और विद्या बालन ने काम किया था, मगर दूसरे पार्ट में पूरी कास्ट ही बदल गई। कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू को लेकर फिल्म बनी। अब तीसरी किश्त में पहले पार्ट से विद्या बालन तो गई हैं, मगर अक्षय कुमार नहीं। जूम टीवी से बात करते हुए डायरेक्टर अनीस बज्मी ने अक्षय और विद्या पर बात करते हुए कहा, अक्षय कुमार भूल भुलैया 3 का हिस्सा नहीं है, मैं उनके साथ काम करने के लिए मरा जा रहा हूं, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं है जिस पर हम साथ में काम कर सकें, मगर भविष्य में हम ज़रूर साथ में काम करेंगे। मुझे याद है कि विद्या मेरी फिल्म थैंक यू में सिर्फ 3 दिन के लिए रोल करने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे उनके साथ हुई बातचीत याद है। मेरे फ़ोन के बाद उन्होंने बिना देरी के हाँ कह दिया था। मैं इसके लिए हमेशा उनका आभारी रहूँगा। इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकता। तब से ये रिश्ता शुरू हुआ था और आज हम इतना आगे आ गए हैं। अनीस बज्मी ने भूल भुलैया 3 के बारे में बात करते हुए कहा कि मार्च में फिल्म का शूट शुरू होगा, मगर तारीख अभी तय नहीं है। बीते दिन खबर आई थी कि अनीस का पैर फ्रैक्चर हो गया है, जिसके चलते उन्हें डॉक्टर ने 6 महीने तक बेड रेस्ट की सलाह दी। हालांकि पिंक विला की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अनीस इसका असर भूल भुलैया 3 पर नहीं पड़ने देंगे। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि फिल्म का शूट 10 मार्च से शुरू होगा। खबरें हैं कि भूल भुलैया 3 में कियारा आडवाणी भी नजर आएंगी। इस फिल्म में कार्तिक के साथ सारा अली खान काम कर सकती है। ये एक साथ सारा और कार्तिक की दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले दोनों ने इम्तियाज अली की लव आजकल में साथ में काम किया था। पिछले दिनों कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर ये ऐलान किया था कि भूल भुलैया 3 में विद्या बालन भी होंगी। कार्तिक आर्यन का लाइनअप बिल्कुल टाइट चल रहा है। वो जल्द ही कबीर खान की डायरेक्शन में बनी फिल्म चंदू चैंपियन में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके खाते में आशिकी 3 और कैप्टन इंडिया जैसी फिल्में हैं। इसके अलावा कबीर खान उनके साथ एक और फिल्म बनाने की बात भी कह रहे हैं, क्योंकि वो चंदू चैंपियन में कार्तिक के काम से बहुत इंप्रेस्ड हैं। जहां तक की रही बात भूल भुलैया 3 की, तो ये फिल्म इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी अविनाश ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।